Everyone, welcome to Current Crunch, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूं। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं दिन सांग सर एसेंशियल सोशियोलॉजी चैप्टर वन हमारा कंप्लीट हो गया है एंड चैप्टर टू हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा फाइन तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब टू तो माई चैनल लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स अगर आपको पसंद नहीं आया तो यू कैन ऑलवेज डिसलाइक द वीडियो एंड मुझे कॉमेंट से बताएं कि आपको क्या पसंद नहीं आ रहा है तो आज का हमारा टॉपिक जो हमें कवर करना है वो है एथनो मेथेडोलॉजी देखो बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड टॉपिक है आपको जो लेम एंड मेथड आप यूज़ करते हो आपकी डेली लाइफ में डे डे एक्टिविटीज़ में वो हम यहाँ पर थोड़ी डिस्कस करेंगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ जिससे आपको कवर हो जाए ये जो टॉपिक है इसका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अब देखो आपको पता है अभी तक हम क्या पढ़ते हैं इनसे पॉजिटिविस्ट जो नेचुरल साइंस मेथड्स पे चाहते हैं कि सोशोलॉजी को सोसाइटी को स्टडी किया जाए वो कहते हैं सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज बने हुए हैं फाइन नॉर्म्स एंड वैल्यूज बने हुए हैं जो गवर्न करते हैं एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा होना चाहिए और इंडिविजुअल जो है वो अपना इंटरेक्शन अकॉर्डिंगली कैरी करता है अकॉर्डिंग टू दी नॉर्म्स सेट बाय बाई सोसाइटी लेकिन एथनो मेथोडोलॉजी बोलती है कि कुछ अनस्पोकन रूल्स होते हैं सोसाइटी में जो आप फॉलो करते हो वो आपके कॉमन सेंस बेस्ड हो सकते हैं आपके लेमैन मैन मेथड हो सकते हैं बेसिकली कुछ अनस्पोकन रूल्स है जो आप फॉलो कर रहे खुद से करते हो तो मीन सोसाइटी डिटर्मिन नहीं करेगी आपका इंटरेक्शन क्या होगा बल्कि आप अपनी सोशल रियलिटीज

मैं जेंट्स की लाइन में खड़ा नहीं होऊंगा या मैं लेडीज की लाइन में खड़ी नहीं होंगी या मैं पहले जाऊंगी नहीं जो कुछ रूल्स फॉलो हो रहे हैं जो आपको बार बार सोसाइटी या बार बार वो इंस्टीट्यूशन नहीं बता रहा है कि आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं बट वो जस्ट हैं आप और आप उनको फॉलो कर रहे हो दूसरी एग्जाम्पल जब आप एलिवेटर में खड़े होते हो एक लिफ्ट में खड़े होते हो अगर वहां पे पांच लोग हैं तो आप सारे जो एलिवेटर का डोर है उस तरफ देखोगे ठीक है आप एलिवेटर के डोर की तरफ देख रहे हो क्योंकि ये एक अनस्पोकन रूल है कि एक कन्फाइंड अपार्टमेंट एक सॉरी कन्फाइंड रूम जैसा एक एलिवेटर होता है वहां पे इंटरैक्शन ऑकवर्ड हो जाती हैं तो वहां पे आप दोस्तों के साथ या यानजर के साथ बैठ के ठहाके नहीं लगा सकते ठीक है या आप कुछ ऐसे गॉसिपिंग नहीं कर सकते यूजली एक अनस्पोकन रूल है आप एलिवेटर में खड़े हो आप डोर की तरफ आपकी नजरें होनी चाहिए आप बैकवर्ड्स नहीं रहोगे आप साइड वाले दरवाजे को नहीं देखोगे आप बस सामने वाले दरवाजे को देखते हो तो ये कुछ अनस्पोकन रूल्स हैं जिनसे आपकी डेली लाइफ चल रही है और डे टू डे एक्टिविटीज आप जो है वो इन्हीं अनस्पोकन रूल्स के बेसिस पे फॉलो करते हो ठीक है अब ये देखते हैं टर्म हैज़ ग्रीक रूट एंड एथनोमेथडोलॉजी लिटरली मींस ले मेथड्स ठीक है दैट पीपल यूज ऑन अ डेली बेसिस एकम्पलिश करने के लिए एवरी डे लाइफ पीपल जो है दे आर व्यूड एज रैशनल बट दे यूज प्रैक्टिकल रीजनिंग नॉट फॉर्मल लॉजिक इन एकिशिंग देयर एवरीडे लाइफ्स जैसे अगेन हम एलिवेटर की एग्जाम्पल लें तो ये एक प्रैक्टिकल रीजनिंग कोई फॉर्मल लॉजिकल तो नहीं है ना इसमें के आप दरवाजे की तरफ देख के खड़े हो दरवाजे की तरफ आपका मुंह है ये कुछ लॉजिकल चीज़ नहीं है आप किसी भी तरफ देख सकते हो इसमें कोई लॉजिक नहीं है आप सारे एक ही डायरेक्शन में देखो लेकिन एक प्रैक्टिकलिटी है प्रैक्टिकल रीजनिंग है कि एक कन्फाइंड सी जगह में ऑकवर्ड आप इंटरैक्शन नहीं कर सकते ऑकवर्डली आप किसी और की तरफ नहीं देख सकते ठीक है तो प्रैक्टिकल रीजनिंग पे आपका वो डिसीजन बेस्ड होता है ना कि कोई फॉर्मल लॉजिक पे आपका बेस्ड होता है आपका डिसीजन फिनोमनोलॉजी सोशोलॉजिस्ट जो थे दे टेंड टू फोकस ऑन वट पीपल थिंक एंड एथनोमेथोलॉजिस्ट जो है आर मोर कंसर्न विद एक्चुअली वट पीपल डू ये आपको कुछ मेथड्स दे दे रहा है कैसे आपको क्या आप फॉलो करते हो ठीक है और क्या आपको फॉलो करना चाहिए कैसे आप चीज़ों को स्टडी करते हो और ये आपको क्या देता है फिनॉमनोलॉजी में क्या होता है आप चीज़ें कैसे परसीव करते हो तो ये आपकी परसेप्शन की बातें करता है और ये एक्चुअली यहाँ पे आपकी एक्शन की बात कर रहा है ठीक है इसको डिफाइन अगर आपको स्टेटमेंट याद रखनी है तो ये याद रख सकते हैं कॉमन सेंस नॉलेज एंड रेंज ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंसिडरेशंस बाई मीन्स ऑफ विच द ऑर्डिनरी मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी मेक सेंस ऑफ फाइंड द वे अबाउट इन एंड एक्ट इन द सकमस्टेंसेज इन विच दे फाइंड देम सेल्व मीन्स आप खुद अपनी अपना प्रैक्टिकल रीजनिंग लगा के आप सोचते हो कि आपको क्या करना चाहिए वट यू शुड डू ठीक है तो वो एथनोमेथोडोलॉजी होती है To put it another way, ethnomethodology is concerned with the ऑफ of everyday life. ठीक है कैसे ऑर्गेनाइज है आपकी एवरीडे लाइफ और एग्जामिन करते हैं मेथड्स एंड प्रोसीजर्स दट पीपल यूज टू कंस्ट्रक्ट एंड अकाउंट फॉर द सोशल वर्ल्ड कि क्या लोग यूज़ करते हैं कैसे लोग अपना सोशल वर्ल्ड जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं और चीज़ें कैसे एक्सक्यूजेस कैसे प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को कैसे जस्टिफाई करते हैं ठीक है वो एथोमेथोलॉजिस्ट का एरिया ऑफ कंसर्न है लाइक दुर्खीम गार्फिंकल ने भी कंसिडर किया था सोशल फैक्ट को फंडामेंटल सोशोलॉजिकल फिनोमेना लेकिन एथनोमेथेडोलॉजी जो है उसका सोशल फैक्ट अलग है दुर्खेम के सोशल फैक्ट से ये हमें इन डिटेल पढ़ना है दुर्खेम के सोशल फैक्ट हम थिंकल चैप्टर पढ़ेंगे तो जो एथनोमेथडोजी है वो ट्रीट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल फैक्ट एज दी ऑफ दी मेम्बर्स अब देखो इसका मतलब सोसाइटी में लोग कुछ चीजें फॉलो करते हैं दे मेक सर्टन थिंग्स सीम रियल एंड ट्रू फाइन जब हर कोई मेंबर किसी चीज़ पे अग्री कर रहा है तो वो एक फैक्ट बन जाता है अगेन अगर हम एलिवेटर की एग्जाम्पल लें तो एलिवेटर में आप कैसे खड़े रहो ये फाइनली क्या बन गया एक सोशल फैक्ट बन गया अब हर कोई एलिवेटर में वैसे ही खड़े रहता है दैट मीन्स लोगों ने कोई ऐसे खुद से कोई चीज़ अपनी प्रैक्टिकल रीजनिंग से कोई चीज़ की दे मेड इट सीम रियल एंड ट्रू कि यही तरीका है ऐसे ही करना चाहिए एंड फाइनली दैट थिंग बिकेम अ फैक्ट ठीक है यही इसका मतलब है कि ट्रीट करता है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल फैक्ट्स को एज अकम्पलिशमेंट ऑफ मेंबर्स मेंबर्स क्या करते हैं मेंबर्स जो चीजें करते हैं दे मेक देम सीम रियल और फाइनली वो क्या बन जाता है वो एक फैक्ट बन जाता है फॉर एग्जाम्पल आप जब फोन पे बात करते हो इसमें कन्वर्जेशनल एनालिसिस भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो एथनो मेथडोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं कन्वर्जेशनल एनालिसिस आप जब फोन पे बात करते हो तो वट डू यू डू यू स्पीक फॉर ए मोमेंट उसके बाद आप पॉज लोगे अब दूसरे की बात सुनोगे ये गोल्डन रूल है ये कोई अनस्पोकन रूल बन गया गोल्डन रूल कोई आपको समझाता नहीं है कि ऐसे बात करो ऐसे बात करो आपको पता है मैंने अपनी मैंने अपनी बात कही अब मेरी टर्न है कि आई हैव टू लिसन टू पर्सन ऑन दी अदर साइड ऑफ द फोन ठीक है अब आपको उसकी बात सुननी है ये एक अनस्पोकन रूल है जो हमेशा आपको कॉन्वर्सेशन में रखना होगा ध्यान में ठीक है तो मेम्बर्स दे मेड इट सीम फैक्ट अब दे मेड इट सीम रियल कि ऐसे ही यही तरीका है फोन पे बात करने का अल्टीमेटली इट बिकेम अ फैक्ट ठीक है तो यही इसका मतलब हुआ कि ट्रीट करते हैं ऑब्जेक्टिटी ऑफ सोशल फैक्ट को एज ए अकम्पलिशमेंट ऑफ मेंबर्स की वो मेंबर्स की अम्प्लिशमेंट है फैक्ट को एज ऑब्जेक्टिव ट्रीट करना जैसे अगेन आप एलिवेटर की एग्जाम्पल हो या जो मैंने आपको फोन की एग्जाम्पल बताई अब देखो दो सेंट्रल आइडियाज है इतना मेथेडोलॉजी के सिंपल काफी है काफी अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे मैं आपको एग्जाम्पल से दे समझाऊंगी इंडेक्सिकलिटी मैंने आपको अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था ये इंडेक्सिकैलिटी क्या होता है कि आप किसी चीज का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हो फॉर एग्जाम्पल जैसे uh, मैंने ये मेरा सोशलॉजी का ट्वेल्थ या थर्टीनथ वीडियो होगा जो बेस्ड है अभी किस पे नितिन सांगवान सर की सोशलॉजी पे अब आपको पता है कि सोशियलॉजी क्या है ठीक है मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड किया है फर्स्ट वीडियो में अब हर वीडियो में आके आपको सोशियलॉजी का इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी कि सोशोलॉजी ऐसे है सोशियलॉजी वैसे है ठीक है सोशलॉजी ये सब्जेक्ट है इसमें ये चीज़ें हैं ये चीज़ें नहीं हैं क्योंकि वो हमने ऑलरेडी किया है अब अगर मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो मैं डायरेक्टली आपको पता है हम सेकंड चैप्टर पे हैं तो मैं डायरेक्टली सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करूंगी क्योंकि यू ऑलरेडी हैव गॉड द इंडेक्स आपके पास सोशल कॉन्टेक्स्ट है इस चीज का और एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने पहले भी वीडियोस में बताई है आपको कि अगर आपको चाय बनानी है ठीक है शाम में घर में दूध खत्म हो गया और आपके घर में रूल है पांच बजे चाय बनती है तो आप जो भी बाहर होंगे उनको फोन करके बोलोगे कि दूध लेके आओ ठीक है हमें चाय पीनी है दूध लेके अगर चाय पीनी है नहीं भी बोलोगे दूध लेके आओ तो आपको पता होगा पांच बजे का टाइम है दूध क्यों मांग रहे हो क्योंकि चाय बनानी होगी पांच बजे सारे चाय पीते हैं इवनिंग का टाइम है तो ये आप सारी डिटेल्स नहीं बोलोगे उनको फ़ोन पे कि देखो पाँच बजे आपको पता है ना घर में हर कोई दूध पीता है तो आप एक काम करो आप मार्केट जाओ वहां पे जो शॉप है उसको ट्वेंटी रुपीज़ दे दो शॉपकीपर को वो आपको मिल्क का पैकेट देगा फिर वो आप घर लेके आओ फिर उस मिल्क के पैकेट को काटो तो, फिर मैं उसको चाय बनाऊंगी नहीं आपको इतनी डिटेलिंग में नहीं जाना है ही ऑल्ली हैज़ गॉट द इंडेक्स ही नोज इट विल बी हैविंग यू इवनिंग टी बाय फाइव पी एम तो आप बोलोगे जाओ जाके दूध लेके आओ फाइन आपको सारा पुराना जो है वो इन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना होगा ये इंडेक्स इंडेक्स कैलिटी है दो सेंट्रल आइडियाज हैं ये इतने मेथोडोलॉजी के इंडेक्स कैलिटी एंड रिफ्लेक्सिविटी देखो रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है कि आप जो भी करते हो उसका असर दूसरे पे पड़ता है और जो दूसरा करता है उसका असर आप पे पड़ रहा है इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से अगर समझना होगा तो जॉब इंटरव्यू की एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं अगर आप आपका कहीं इंटरव्यू है ठीक है और आप काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर्स दे रहे हो तो आगे से जो इंटरव्यूअर है वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करवा रहा है वो आपकी बातों पे नॉट कर रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि वो आपकी बात से अग्री करेगा वो आपको स्माइल दे रहा है तो उससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप और आंसर करने लगोगे दैट मीन जो उनकी हरकतें हैं उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ा फाइन और जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आप, आप काफ़ी अच्छे से आंसर कर रहे हो इससे इंटरव्यूअर को भी समझ में आएगा कि आप में कितनी कैपेसिटी है तो आपको किस लेवल के क्वेश्चन पूछने चाहिए कि आपसे मैं किस इंटेंसिटी के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ दैट मीन्स आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके इंटरव्यू पर भी इंपैक्ट डाल रहा है और अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन पोज कर रहा है ठीक है इंटरव्यू में दो मिनट में समझ में आ जाता है कि बंदे की कैपेबिलिटी क्या है मैं इसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि नहीं जब वो आपका कॉन्फिडेंस देखेगा वो आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछेगा दैट मीन्स जो आप कर रहे हो उसका असर इंटरव्यू पे है और जो जो इंटरव्यूर कर रहा है उसका असर आप

वो मैन को बोला है कल्चरल डोप कि आपका कल्चर आपकी सोसाइटी सेट बाय नॉर्म्स वैल्यू सेट बाय दी सोसाइटी वो डिटरमिन करेगा आप क्या हो आपकी इंडिविजुअलिटी खुद अपनी कुछ भी नहीं है लेकिन इतना मेथोडोलॉजिस्ट का मानना नहीं था क्योंकि उन्होंने किसकी बात की थी रिफ्लेक्सिविटी की बात उन्हें की थी रिफ्लेक्सिव होता है इंसान इंसान का असर दूसरा क्या बोलता है उस पर उसका असर पड़ रहा है और वो इन रिटर्न क्या बोलेगा उसका असर दूसरे पे पड़ेगा हाँ तो मैन क्या है वो रिफ्लेक्सिव है लेकिन इतना मेथडोलॉजिस्ट रिफ्यूज टू ट्रीट एक्टर्स एज कल्चरल डोप्स लेकिन दे डू नॉट बिलीव दैट पीपल आर ऑलमोस्ट एंडलेसली रिफ्लेक्सिव सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड कैलकुलेटिव मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही वो सेल्फ कॉन्शियसनेस और एंडलेसली रिफ्लेक्सिव है नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है वो रादर फॉलोइंग एल्फोशूट्स थे ये क्या कहते हैं दैट मोस्ट ऑफ एन एक्शन एंड रिलेटिवली अनरिफ्लेक्टिव रिलेटिवली अनरिफ्लेक्टिव है जैसे इंडेसिकलिटी की मैंने आपको एग्जाम्पल दी तो रूटीन में ऐसा चलता जाएगा तो रिलेटिवली uh, वो अनरिफ्लेक्टिव है तो आप बोल सकते हैं ना ये ऐसे अभी नहीं है जैसे पॉजिटिव आपके माइक्रोस्ट्रक्चर्स वाले थे नॉन पॉजिटिविस आपके माइक्रोस्ट्रक्चर्स वाले थे ठीक है यहाँ पे वॉटर टाइट सेपरेशन काइन नहीं है ना यही इंटरेस्ट है माइक्रोस्ट्रक्चर्स में ना ये इंटरेस्ट है माइक्रोस्ट्रक्चर्स में ये कहते हैं आर्टिफिशियल प्रैक्टिस पे कंस कंसर्न करते हैं मतलब यही जो कॉमन सेंस ले मेथड्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स फिर चाहे उन मेथड से दो बंदों के इंटरेक्शन डिटर्मिन हो माइक्रो स्ट्रक्चर पे फोकस करें या जो ले मेथड्स यूज करते हैं उससे सोसाइटी के कोई बड़े नॉर्म्स वैल्यूज बन जाए स्ट्रक्चर क्रिएट करे ठीक है तो uh, ये हो गया आपका एथनो मेथडोलॉजी आई होप आपको अभी तक क्लियर हो रहा है अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो लेक्चर को आप एक दो बार सुने आपको कवर कम समझ में आ जाएगा फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कन्वर्जेशन एनालिसिस जो है एक मेथड है आप जो हाईलाइटेड पोर्शन है एक बार पढ़ सकते हो समझने के लिए इसको मैं आपको इसका एक आइडिया देती हूँ ये होता क्या है कन्वर्जेशन एनालिसिस ये इसी का पार्ट है मेथोडोलॉजी का ये क्या स्टडी करता है जब आप फोन पे बात करते हो तो आपकी टाइमिंग कैसी है कहाँ पे आप पॉज ले रहे हो कितने इंटरप्शन आप बीच में करते हो ठीक है उन चीजों पर फोकस करेगा जैसे जैसे आप किसी से अग्री कर रहे हो तो उम, आप बोलोगे अग्री नहीं कर रहे हो तो उम्म बोलोगे वो उम, उम, दूसरा समझ जाएगा कि डिसअग्रीमेंट का उम, उम है फाइन तो ये सारी चीजें काफी बेसिक बेसिक चीजें हैं वो एथनोमेथेडोलॉजिस्ट के काम आदि कॉन्वर्जेशन एनालिसिस करते हैं इस चीज से अगर आप बोल सकते हो कॉन्वर्जेशन एनालिसिस से क्या मिला हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों बन गया तो देखो इसे क्या हुआ इसे पता चला ऑर्डनरी टॉक इज हाउ ऑर्डनरी टॉक स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्ड यह पता चल जाता है हमें कि कहाँ पे हमें रुकना है कहाँ पे पॉज लेना है कॉल स्टार्ट कैसे करनी है कॉल एंड कैसे करनी है ये सारी जो नॉलेज है हमें गेन होती है देखो एक अनस्पोकन अगेन एक अनस्पोकन रूल है अगर आपको फ़ोन रखना होगा तो यूजुअली अगर हम सामने वाले को ऐसे नहीं बोल पाते हैं कि चलो ठीक है ओके okay, बाय तो हम यूजअली एंड करते हैं इस बात से अच्छा और बाकी सब ठीक चलो ठीक है हमेशा हमारी जो लाइन होती है वो इसी अराउंड बिल्ड होती है और बाकी सब ठीक बाकी सब ठीक तो अगला भी समझ आएगा कि वो अब फ़ोन डिस्कनेक्ट करना चाहता है तो ये चीजें होती हैं एथनोमेथोलॉजिस्ट के कंसर्न की होती हैं अगर आप ये ऐसे करके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेके सोशोलॉजी को स्टडी करो तो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा ठीक है अनकवरिंग क्या स्ट्रक्चर बताता है हमें कैसे हमारी कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड होती हैं कैसे हमारा स्टार्ट होता है टर्मिनेट होता है कौन सी टॉपिक्स हम चूज करते हैं या अवॉइड करते हैं फोन पे बात करते हैं टाइम फाइन वो सारा चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं जब हम कॉन्वर्जेशन एनालिसिस को स्टडी करेंगे सेकेंडली इट हैज सर्वड एज अ मेथडोलॉजिकल टूल फॉर सोशलॉजीज बायसिंग द क्वालिटी ऑफ एविडेंस क्योंकि क्वालिटी ऑफ एविडेंस इससे इन्हस हो गया कि आपके पास कितना सामने है एक तो क्या बड़े फिर इंटरव्यू करना क्वेश्चनर्स करना वो एक बड़े बड़े लेवल के मेथड्स हैं ये एक मेथोडोलॉजिकल टूल है जो बिल्कुल आपको एविडेंस सामने है दो बंदों की आपको बात सुननी है तो क्वालिटी एविडेंस आपको मिल जाता है सोशलॉजिस्ट को इससे थर्डली आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे किस तरीके से बात करते हो अगर पुलिस स्टेशन में आप अलग तरीके से बात करोगे कोर्ट रूम में अलग तरीके से बात करोगे डॉक्टर का अलग तरीके से बात करोगे फ्रेंड्स का अलग तरीके से बात करोगे तो कहाँ पे हम किस तरीके से बात करते हैं और क्यों करते हैं ये चीज़ें भी हमें क्लियर हो जाती हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है जानना क्योंकि मेनी जॉब्स आर मेनली डन थ्रू टॉकिंग तो टॉकिंग काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्वर्सेशन पे ही सारी चीजें बेस्ड हैं अगर अभी हमें कॉन्वर्जेशन करनी नहीं आए मुझे बात करनी नहीं आई तो मैं कैसे आपको पढ़ाऊंगी फाइन तो कॉन्वर्जेशन काफी इंपॉर्टेंट है जिसपे हमारी लाइफ ही बिल्ट है पूरी इतना मेथडोलॉजिस्ट आर्ग्यू देट सोशल वर्ल्ड इज नथिंग मोर देन इंटरप्रटेशन एंड मेंबर्स अकाउंट हो गए जो हमारी एक्सप्लेनेशन होती है किसी सिचुएशन की चाहे वो एक्सक्यूज हो या जस्टिफिकेशन हो या सिंपल एक्सप्लेनेशन हो डिस्क्राइब क्रिटिसाइज आइडियलाइज करना उसको अकाउंट्स बोला जाता है अ लॉट ऑफ अटेंशन टू एनालाइज पीपल खुद क्या उस कॉन्टेक्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं एट्नोमेथलॉजिस्ट व उस एक्सप्लेनेशन में लोगों के अपने दिए हुए एक्सप्लेनेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एज वेल एज टू द वेज इन विच अकाउंट्स आर ऑफर्ड एंड एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय अदर्स कि किस चीज को किस अकाउंट को प्रेजेंट किया जाता है और फिर किस अकाउंट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जाता है और क्यों किसी के अकाउंट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जाएगा वो भी इतना मैथडलॉजिस्ट जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं जानने में कॉन्वर्जेशन एनालिसिस जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एट्नो मैथलॉजी का ये मैंने आपको बताया क्या होता है एथ्नो मैथोडोलॉजिस्ट कैन स्टडी द अकाउंट्स ऑफ सोशोलॉजिस्ट इन द सेम वे दैट स्टडी द अकाउंट्स ऑफ ए ले पर्सन क्योंकि है ही उनकी ले मैथलॉजी है ही एथनो मेथेडोलॉजिस्ट की अब इसको क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि दे अ डिटेच व्यू ऑफ दोसाइटी दे सीम टू हैव नो गोल्स गिडेंस ने कहा था अगर मैंने आपको सारी बातें बताई तो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा ना मतलब ऐसी कोई बात तो नहीं है कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं बोला कोई बड़ी तोप वाली बात तो नहीं की है सिंपल से बात कर रहे हैं ये सारी बातें तो हमें पता है तो ये इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है इग्नोर फैक्ट दैट इंटरेक्शन एंड रियलिटी आज शेप डिफरेंशियल पावर रिलेशन जो एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में इन्हें कहा कि इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट होते हैं पर उस इंटरेक्शन में पावर रिलेशन का भी कोई काम है कि जो बंदा पावर में होगा चाहे फिर वो उतनी एजुकेशन वाइज भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो मतलब ज़्यादा ये ना हो एजुकेटेड भी बंदा ना हो लेकिन पावरफुल है तो आपका जो मीडियम ये है आपका इन कॉन्वर्जेशन वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा According to Goldthorpe, it seems that what members don't recognize doesn't exist for them, and they remain insulated with that. That, कि जिसको वो recognize नहीं करते हैं, वो चीज़ उनके लिए exist ही नहीं करती. उन्होंने काफी एक simple सी बात पे ज़्यादा focus किया हुआ है. तो ये सब इनका criticism है. Non-positivist methodology जो है also could not resolve the dilemma of objectivity and subjectivity. फाइन तो नॉन पॉजिटिविट जो है कुड ऑल्सो नॉट डेवलप अ सिंगल मैथडोलॉजिकल प्रिंसिपल लीडिंग टू वाइड वेरिएशन इन नॉन पॉजिटिव रिसर्च क्योंकि कोई सिंगल मैथडोलॉजिकल प्रिंसिपल नहीं था सब ने कुछ अलग अलग ही बोला दो बिल्ट अराउंड सेम कॉन्सेप्ट था लेकिन अलग अलग बातें कही तो हमारे पास कोई एक यूनिक सिंपल कॉमन प्रिंसिपल नहीं आया काफी वेरिएशन थी इनकी रिसर्च में नॉन पॉजिटिविस्ट इग्नोर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल फिनमिना एंड द फैक्ट दैट मैन इज बॉन इन अ प्री एग्जिस्टिंग सोसाइटी क्योंकि उन्होंने कहा था आदमी अपनी रियालिटीज कंस्ट्रक्ट रिकन्स्ट्रक्ट इन

so till the time i upload next video bye bye take care have a great day